हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का बॉर्डर और ये जो बबल डिजाइन कार्ड है इसके अंदर इस तरह के डिजाइन हम कैसे डालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नीडल पुशर से या अपने कार्ड से सुइयों को वन बाय वन कर लेंगे और कैरिज को वापस ले आएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, जब हमारी सुइयाँ इस तरीके से आ जाएंगे तो जो पीछे की सुइयाँ हैं उन्हें हम बैड के पीछे कर देंगे जिससे कि वो काम ना करें और जो हमारी आगे की सुइयाँ वो ही बुनाई करें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। वन बाय वन करने के बाद नीडल पुशर से वन बाय वन करने के बाद आपको पीछे की सुई पीछे ही कर देनी है और कैरिज के अंदर हमें कोई बटन नहीं दबाना है। बिना बटन दबाए हमें जो हमारा यार्न फिटर है उसके अंदर धागा लगाकर अपने कैरिज को हम आगे ले जाएंगे और फिर इसके अंदर कंघी डालकर बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें कंघी लगा लेनी है और हमें यहाँ पर 8 राउंड लगाने हैं। 8 राउंड लगाने के बाद किस तरीके से आगे का बनेगा ये आप वीडियो देखते रहना, इसकी बिल्कुल मत करना अगर आपको फिनिशिंग को लेकर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, स्किप करने से कुछ बातें रह जाती हैं और उसमें फिनिशिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं, हमें यहाँ पर 8 राउंड लगाने हैं। उसके बाद जो हमने सुइयाँ पीछे करी थी उन सभी सुइयों को हम आगे कर लेंगे और फिर 9 राउंड हमें और लगाने हैं। तो ये हमारी सभी सुइयाँ आगे हो गई हैं। अब मुझे यहाँ पर 9 राउंड और लगा लेने हैं। अगर 9 राउंड पर आपके ऐसी फिनिशिंग नहीं आ रही तो बस आपको 1 राउंड और बढ़ा देना है, वरना 9 राउंड पर अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है, जो टेंशन यूनिट है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें 10 राउंड लगा लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 और 9 राउंड लगाए हैं और अब मुझे ये फोल्ड कर लेना है। फिर मैं इसकी आपको दिखाऊंगा कि फिनिशिंग या किस तरीके से इसके अंदर डिजाइन आया है। बस जब आप कंघी डालें तो थोड़ा ध्यान रखना है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, बस जो फंदे हैं वो ना निकले। तो आपको मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से दिखा देता हूँ कि एक एक जो फंदा है वो सभी सुइयों में जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारे गिर जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसको डालने में। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप डालें तो पहला फंदा ज़रूर देखें, उसके बाद आपको कंघी को बैलेंस करते हुए बराबर डाल लेना है। जैसे एक दो कोई छूट जाए तो वो तो रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि मेरा एक फंदा यहाँ से भी छुटा है तो ये डल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम अपना कार्ड चेंज कर लेते हैं, बबल डिजाइन वाला कार्ड हम यहाँ पर लगा लेंगे। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, थोड़ा छोटी छोटी बातों का आपको मैं दिखाऊंगा कि हम किस तरीके की गलती करते हैं। वीडियो को आपको देखना होगा, उस गलती को सही करना होगा। तो यहाँ पर जो मेरा कार्ड है वो मैंने चेंज कर लिया है, लोग आपको अच्छे से लगा लेने हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है जो ये कटिंग है, ये दो प्लेन वाली कटिंग है। आपको मैं ट्रांसफ़र टूल से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कटिंग है, पूरी लाइन आई हुई है 24 पिन तक, दोनों में ऐसा ही है। तो अब हमें बस क्या करना है, ये जो कार्ड है 1 पॉइंट ऊपर कर देना है, जो ये दो प्लेन लाइन है ये 1 पॉइंट ऊपर कर देनी है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें ये ऊपर कर देनी है। अब हम क्या गलती करते हैं ये देखिए, हमें कार्ड तो ऐसा रखना है पर कई बार कार्ड ऐसा नहीं होता है, तो क्या गलतियाँ होती हैं ये वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं कैरिज आगे ले गया तो ये फंदा बन गया, जबकि ये फंदा हमारा आने में बनना चाहिए। अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि आने में किस तरीके से ये फंदा बनता है। अगर आपका जाने में फंदा बन रहा है, जो हम लेफ्ट साइड जाते हैं जब फंदा बन रहा है तो प्रॉब्लम होती है, पर अब आपको मैं सही तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फंदा बना है ये मेरा आने में बना है, जब हम कैरिज वापस लाते हैं जब ये फंदा बना है। तो अब डिजाइन डालने का सही टाइम है, सही तरीका है। अगर हमारा फंदा आते टाइम इस तरीके से बन जाए तो हम यहाँ पर अपना डिजाइन शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें डिजाइन जब ही शुरू करना होता है जब फंदा सुइयों पर बन जाए। तो अब 1 राउंड मैंने जो मैचिंग है दूसरी उसका लगा लिया है। अब यहाँ पर 2 राउंड हमें फिर से मेन कलर के लगा लेने हैं। तो यहाँ पर 2 राउंड लगाने के बाद फिर इसी तरीके से करना है, क्योंकि फंदा बन गया है। अब हमें लाल का 1 राउंड और लगा लेना है, फिर अपना मेन कलर के 2 राउंड लगा लेने हैं। इसी तरीके से हम जो भी बना रहे हैं, जितना भी डिजाइन चाहिए वो डाल लेंगे। आपको बस ध्यान फंदों का ध्यान रखना है। फंदे अगर सही आप पढ़ लेते हैं या आपको पता है कि किस तरीके से डिजाइन डलता है तो आप सही बना सकते हैं, वरना एक कार्ड भी अगर ज़्यादा घूम गया तो सारा डिजाइन ख़राब हो जाता है। आपको बस ध्यान रखना है फंदों पर और कुछ नहीं है इस डिज़ाइन को डालने में। और मैं आपको बता दूँ, इस तरीके के और भी डिजाइन मैं आपको अपलोड करूँगा, बस थोड़ा अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ।
तो आपको इसी तरीके से डिज़ाइन डालते रहना है। पर आप जब कमेंट करके मुझे बताएंगे, जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब से पैसे चाहिए, मुझे रोज़ वीडियो बनानी है, बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो मशीन को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें या कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।